नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एनबीसीएन न्यूज के टॉप 10 न्यूज में। आइए डालते हैं नजर आज की टॉप 10 हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के नतीजे हुए घोषित, एसएससी में कुल 93.83% स्टूडेंट्स हुए पास। जलगांव स्टेट बैंक में डाका, 17 लाख कैश और 3 करोड़ का सोना लूट ले गए, सीसीटीवी कार्ड डीवीआर भी लेते गए। मणिपुर दंगों की न्यायिक जांच, सीबीआई भी करेगी पड़ताल, शाह की घोषणा। अयोध्या में बृजभूषण सिंह की महारैली रद्द, 11 लाख लोगों के इकट्ठा होने का किया था वादा। ईवेस्ट पर सरकार की बड़ी मुहिम, खतरनाक ई कचरे के रिसाइकलिंग पर देगी इंसेंटिव। महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर शुरू किया माधव फॉर्मूला, चुनाव से पहले बनाया नया प्लान। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के 350 साल पूरे, पीएम बोले उन्होंने गुलामी की मानसिकता खत्म की, एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन उनकी प्रेरणा। नागपुर मेडिकल अस्पताल के कर्मी से साइबर ठगी, जॉब के चक्कर में गवाए 20,92,000। महाराष्ट्र इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत, रौनक ने इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराया। नागपुर के मेडिकल अस्पताल से चौंका देने वाला मामला, एमआरआई कराने गए कैदी और पुलिस 5 घंटे तक रहे गायब।